और सुनो, और जब गुलाम हैदर ने तुझे तलाक दिया तो गुलाम हैदर 3 साल तक उसने क्यों नहीं ब्याह किया भाई? जब तूने तलाक दे दिया था वो क्यों वहां बेचारे ऐसे बैठे हैं देवदास बन के? फिर जब तुझे तलाक दे दिया था तो गुलाम हैदर ने भी ब्याह कर लेना चाहिए था। झूठी औरत, तू पागल उन लोगों को बना सकती है जो तेरे लटके झटके में पागल होंगे, हमको नहीं बना सकती, हम इतना दम रखते हैं। तू हमारे भारत में आके हमारे अन्न से, भारत देश के अन्न से तू पेट भर रही है, और हम भी भारत देश का अन्न खा रहे हैं, वो भारत देश का अन्न से हमको भी अच्छा दिमाग आ जाता है। हम पागल नहीं है यहाँ पे, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है। आपके धर्म में भी जब पत्नी को जब तलाक दिया जाता है तो उसमें, भैया सुनो, जब उसमें भी तो ये होता है कि तुझे कौन सी चीज देनी है और कौन सी नहीं देनी है, कौन सी मैंने रखनी है कौन सी तुझे देनी है। सोचते रहिएगा, मतलब गुलाम हैदर ने तुझे वहां से बैठे बैठे तलाक भी दे दिया, तुझे मकान भी दे दिया, तुझे बच्चे भी दे दिए, तो उसने अपने पास क्या रखा भाई? नहीं, और तुझे भारत भागने की परमिशन भी दे दी। जो गुलाम हैदर जी का दुबई का नंबर था ना, मैं बताती हूँ आपको, गुलाम हैदर जी दुबई से जब इसको फोन कॉल करते थे ना, सुनिए फोन कॉल की रिकॉर्डिंग निकलेगी कि जो बंदा तुझे तलाक दे दिया होगा वो एंड तक तुझे क्यों कॉल करेगा। सारी फोन कॉल निकलेगी, रिकॉर्डिंग निकलेगी, जैसे कहती है, जब तलाक दिए हुए औरत को फोन कॉल क्यों करेगा बंदा। जब तो इतनी परेशान थी वहां पे, तूने इतने इतने इल्जाम तो उस पर लगा दिए। सुनिए, जब तू वहां थी तब तो तूने कोई इल्जाम नहीं लगाए, तब तो उसका ऊपर ऊपर से मलाई मक्खन खाती रही, वो नोट भेजता रहा तो उड़ाती रही। जब तू तो भारत में आ गई, तुझे लगा अब मेरा तो वो हो गया, पल्ला झड़ गया, अब यहां से आकर तूने उसे तोहमतों के बौछार लगा दी। भाई तू इतनी खुली आजादी वाली औरत थी, तुझे परेशान वहां पे तू हो रही थी, नदी की कोई थाना चौकी कुछ तो होगा वहां पे। अब यहाँ पे तो तू कोर्ट जा रही है, यहाँ पे भी तो तू जेल में भी चली गई है, यहाँ पे तू एडवोकेट में एडवोकेट भी कर लिया, क्यों अपने बचाव में तू वहां थाना चौकी नहीं था क्या तेरा वहां पे? कौन से भैया जज इसमें, कौन से जज इसको आगे बढ़ने की वो देंगे? वहीं स्टॉप हो जाएगा मामला। तो अब ऐसी जो नचनिया, ऐसी जो ये इतनी जिसे बोलेंगे कि बेकाबू औरत, ये सीधे साधे गुलाम हैदर के घर में टिकती है? नहीं, आज कहती ना मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं अपने बच्चों की जान हूं, मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकते। क्यों भाई, तू इन बच्चों को अपने बाप के घर से लाई? तू जब अपने बाप के घर से कुंवारी आई थी, इन बच्चों को भी साथ में लाई थी, तो साथ में बच्चे शादी से पहले लेके आई थी क्या तू? मैं आपको बताऊं, एक बार और बताती हूँ आपको। आ भैया, तू थाने चौकी भी जाएगी, कंप्लेन भी करेगी, जब पति घर में अवेलेबल नहीं है, पति तो सऊदी अरब कमाने गया, तू कंप्लेन भी किसकी करेगी? जब वो बेचारा मारता ही नहीं है, घर में ही नहीं है, तू कंप्लेन भी क्या करेगी? यहाँ सब बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, तू सारी बात है, तू तोहमत लगा रही है अगले पे, हम भी तो हमें भी तो मालूम है, 3 साल से तो बेचारा घर ही नहीं आया, तो अब तू थाने चौकी भी जाती तो तू किसकी कंप्लेन करती भला? वो तो यहाँ है ही नहीं, मारता था कूटता था, अब मारता था कूटता था यहां से तो इसने बोल दिया, अब ये थाने चौकी में अगर इससे कोई क्वेश्चन करे तो थाने चौकी क्यों नहीं गई थी फिर? अब ये थाने चौकी जब जाएगी, पुलिस आएगी, पुलिस कहेगी कहाँ है जिसने तुमको मारा पीटा? अब जब वो तो बेचारा घर में नहीं, वो तो कहाँ नहीं गया, तो ये फिर थाने चौकी भी क्यों जाती? जो कहती है ना ये जिसके पास में, ये पाकिस्तान में रहती, पापा जी पापा जी पापा जी, मुझे तो वहां भी संदेह होता है, जब तेरे पापा ही नहीं था तो दूसरा पापा तेरा कहाँ से आ गया वहां? और गुलाम हैदर भैया ने भी कैसे उस पापा के भरोसे इसे छोड़ रखा था भाई? और वो कौन था पापा? पापा तो आप कह रहे बहुत पहले इसके एक्सपायर हो गए। जब भैया 80 80 साल के, 90 90 साल के दिल्ली अगल बगल आ रहे हैं कि हम 2 महीने से बड़ा मैं इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का, तो भैया फिर वो जो 24 घंटे कमरे के अंदर रह रहा है वो इतना कोई सत्य वो तो होगा नहीं, सत्युग का बुढ़ा कोई जो है, जो महर्षि वाल्मीकि की तरह तो होगा नहीं, जो महर्षि वाल्मीकि ने सीता मैया को जो है कितने वर्षों तक तो अपने आश्रम में रखा अपनी बेटी बना के, कोई महर्षि वाल्मीकि पैदा हो गया था क्या वो? जो जो बंदिश में रहेगा ना भैया, वो सहमा हुआ और वो नर्वस रहेगा, उसके चेहरे को ही देख के आप समझ सकते हो कि ये कितनी खुले में रहने वाली है और कितनी बंदिश में रहने वाली है। गलत बोल रही हूँ? अब किसी मीडिया ने, एक ऐश्वर्या है, कौन से चैनल में आते मालूम नहीं, ऐश्वर्या के आगे ये टिक नहीं सकते, जब वो सवाल पूछना इसे शुरू करते हैं तो ये खड़े होकर चल देती है, वही बंदा मुझे सही लगा। और बाकी चैनल वाले, एक कह रही हो मीनाक्षी करके, मीनाक्षी अधिकारी है, आप उसको देखिएगा, मीनाक्षी अधिकारी नाम है उसका, पूरा उस सीमा हैदर से भी ज्यादा फैशन करके आती वहां को लेके भोंपू अपना, और बोलती है
उस दिन आ गई करवा चौथ वाले दिन, कह रही है अरे तुम्हें ये बातें क्या शोभा देती हैं, तुम पत्रकार हो, तुम अपने जो बातें जरूरत की वो पूछो और अपना चलते बनो, कह रही है। अब लगा भारत के लोगों के मुंह पे तमाचा, जो कहते थे सीमा हैदर की शादी नहीं हुई, इस कोई बेवकूफ पत्रकार से पूछे भारत के लोगों में तेरी मम्मी भी है, तेरे पापा भी हैं, तेरे भाई भी हैं, तेरे रिश्तेदार भी हैं, हम भी हैं, तो किस पे मुंह पे चपाता लगाना चाह रही है? इनको ये नहीं पता कि हम बोल क्या रहे। और कैसे वो डांस देखो, वीडियो देखो इसका, देखा मैंने, वो मैंने भी देखा है। इतनी इतनी बेलगाम वहां घूम रही है, इतना मेकअप वहां करती थी, ऐसी बनावट इसकी वहां थी, इतना लटके मटके झटके वहां थे। कहती थी मैं परेशान थी, मैं बंदिश में थी, मैं मुझे मारा जाता था, मुझे खाना नहीं दिया जाता था, इतना कुछ तो तू कर रही है। हमारा तो ना आपने करा ना बाप ने करा, इतना साला जो है हमारे तो टंगड़ी टूट जाए। कोर्ट तेरे पिताजी की जागीर है क्या? तू सबको कोर्ट की वो दे रहा है? कोर्ट तेरे बाप दादाओं की जागीर है जो तू कोर्ट की धमकी सबको देता है? कानून, हम कानून नहीं पढ़े, हमें कानून के बारे में सब पता है। तो हमें क्या, हमने कोर्ट कचहरी थाना चौकी ये थाने ये सब जो है ना, ये ऐसा होता है हमारा जैसे आम बात है। हमारे यहाँ भी यहाँ से लेके वहां तक रास्ते में भी कोई पुलिस वाले मिलते हैं ना, मैं कभी उनको नमस्ते। उस आदमी के लिए सोचा तुमने? वो जो आदमी 2015 से जिन बीवी बच्चों को लिए इतने जीते जी, उसने झाड़ी मजदूरी करी और अपना खून पसीना बहाया, वो औरत ने पूरा तबाह करके यहाँ भारत देश में बैठी चोरी से सब कुछ उसे तबाह करके लीलाम करके छोड़ दिया। उस आदमी के बारे में सोचा तुमने कभी कि हम तो इसको हमें इसके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा था, मैं तो इसको हम तो नागरिकता दिलाने की सोच रहे थे, और कहता मैं तो पहली बार मिला, तू पहली बार मिला और इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग एक ही दिन में बन गई सारी क्या? वाह जी वाह। दीदी, बहुत जबरदस्त बात की है आपने कि पहली दफा किसी से मुलाकात हो और इतने बड़े बड़े ख्वाब बंदा कैसे सजा है सकता ना, है। और इतने बड़े बड़े हाँ, उसके प्लानिंग लिए बना भी कोई दो दोगे आप चार दिन क्या? लगते हैं, दो चार दिन बंदा उसके साथ रहता है, बात करता है, मैं फिर कह रही पता हूँ चलता भैया, मैं कह रही हूँ जो नामी गिरामी आदमी होगा, सही आदमी के पास अगर आप एक बार फर्स्ट बार मिलोगे ना, उसके लिए भी नहीं करोगे आप, जो कि आपको है। पता है नामी गिरामी आदमी है, उसके लिए भी आप नहीं करोगे। तो तू एक भगोड़ी पाकिस्तानी महिला चोरी से हमारे भारत देश में आई है, चोरी से रह रही थी और इतने क्राइम उसने किए, उस औरत के लिए तो एकदम एक बार मिलने में कैसे इतना वो हो गया भाई, लट्टू कैसे हो गया? बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई पाकिस्तान से जो 15 15 दिन में डिपोर्ट हो गई थी, उनके लिए क्यों नहीं करा तुमने? आज भी पाकिस्तान से कई ऐसे आए हैं हिंदू की हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको नागरिकता आज तक नहीं मिली है, उनको उनके लिए तुम क्यों नहीं कोशिश करते हो? उनके लिए करो ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो बांग्लादेशी आ रखे हैं, ऐसे रह रहे हैं वो जो है बगैर नागरिकता के, उनके लिए क्यों नहीं जोर लगाया तुमने? आखिर इसी के लिए क्यों जोर लगा रहे भाई? इंटरनेशनल नेशनल हमारे बड़े बड़े धुरंधर चैनल वाले कहाँ चले गए पत्रकार? बस उसको तो उनको तो एक ही चैनल वाला खरीद रखा हुआ, उसी के साथ सारी भीड़ आ जाती। एपी सिंह क्या है, वो थोड़े बहुत पत्तल चाटने को दे देता है उसे, फिर पीछे से वो छोटे मोटे 100 150 50 रुपए में बिकने वाले वो उसके पीछे लगा लेता, वो अपने पीछे लगा लेता वो भाई, तू वहां खड़ा हो जा, तू वहां खड़ा हो जा, तू वहां खड़ा हो जा। वो उनका उनका लीडर है, वो छोटे मोले गली मोहल्ले पत्रकारों का वो लीडर बन रखा है, वो बड़ा वो है चूहा है, उसके पीछे वो लाइन लगी रहती। फिर जो है कौन बड़ी बड़ी मीडिया, अब कौन बड़ी बड़ी मीडिया आ रही है इसके पास में? स्टार्टिंग में ही शुरू शुरू में आई थी, जब सबको पता लग गया कौन आ रहा है, वही गली मोहल्ले के आ रहे हैं वो मनोज वो मस्ताना। भी जब चिड़ियाघर में नया जानवर आता है तो उसको देखने के लिए सारा इलाका जाता है, वो भी उस हवाले से गए थे। बस और कोई जो आप देखो ना, आप देखा आपने बुड्ढे बुड्ढे लोग वो बोलते हैं ये 2 महीने से मैं इंतजार कर रहा था कि मैं तुमसे मिलूं। मिलना अरे बिल्कुल ऐसी। आपने देखा होगा, क्यों भाई तेरे घर में तेरी माँ बहने नहीं है? अपनी जितना देखना अपने माँ बहनों को देखो, पराई लुगाई को देखने काहे को आ रहा भाई? वो भी अच्छा, जिसके यहाँ घर में आ रहा पे लुगाई उसकी भी नहीं है। रघुपुरा में और भी तो लुगाइयां हैं, उनके घरों में क्यों नहीं जा रहा बुड्ढा? तो उनकी लुगाइयों को देखने के लिए चप्पल पड़ जाएंगी मुंह पे। कि कोई भी इज्जतदार औरत है आदमी है जिसे अपने मान सम्मान की चिंता होगी और जो समाज में इज्जत से रहता होगा और जिसको ये पूर्ण रूप से जो इससे नफरत करता है, वो इसकी सकल परछाई भी देखना पसंद नहीं करेगा। जो इसी की लेवल के लोग हैं वही जा रहे होंगे, या फिर कुछ हमारा थोपड़ा मीडिया में आएगा करके लोग जा रहे होंगे, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और सुनो, आज जब गुलाम हैदर ने तुझे तलाक दिया तो गुलाम हैदर 3 साल तक
उसने क्यों नहीं ब्याह किया भाई, जब तूने तलाक दे दिया था वो क्यों वहां बेचारे ऐसे बैठे हैं देवदास बन के? फिर जब तुझे तलाक दे दिया था तो गुलाम हैदर ने भी ब्याह कर लेना चाहिए था। झूठी औरत, तू पागल उन लोगों को बना सकती है जो तेरे लटके झटके में पागल होंगे, हमको नहीं बना सकती, हम इतना दम रखते हैं। तू हमारे भारत में आके हमारे अन्न से, भारत देश के अन्न से तू पेट भर रही है, और हम भी भारत देश का अन्न खा रहे हैं, वो भारत देश का अन्न से हमको भी अच्छा दिमाग आ जाता है। हम पागल नहीं है यहाँ पे।